हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने वाले पबजी मोबाइल से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में। पबजी मोबाइल कल या परसों वापस आएगी या नहीं, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हम बहुत क्लोज है 100K सब्सक्राइबर्स के। तो एक लेटेस्ट अपडेट या लीक बोल दो कि वो आ रही है, उसमें पता लगा पबजी लवर्स के लिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज। वीडियो को एंड तक जरूर देखना जानने के लिए कि वो इंटरेस्टिंग अपडेट क्या है। पहले हम बात कर लेते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के बारे में। एक रिसेंट रिपोर्ट से पता लगा कि पबजी मोबाइल के 72% प्लेयर्स शिफ्ट हो गए हैं कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। तो क्या आप भी कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल पर शिफ्ट हुए हो या नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। TSM एंटिटी घातक जो पबजी मोबाइल के प्रो प्लेयर हैं, एक पोल डाला था अपने ट्विटर पे जिसमें उन्होंने पूछा कि आपको क्या लगता है कि पबजी मोबाइल कब वापस आएगी। तो अप्रोक्स 37.7% लोगों ने बताया कि वो शायद दिवाली तक वापस आ जाएगी। इसके बाद घातक ने ट्विटर पे एक और इंटरेस्टिंग अपडेट डाली पबजी मोबाइल से रिलेटेड। उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट करते हुए बोला कि पबजी मोबाइल के अनबैन के बारे में बताना रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ है, पर मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, नियो कल वापस आ रहा है बूट कैंप में एंड जॉनथन परसों बूट कैंप वापस आ रहा है। ये हिंट भी हो सकती है कि शायद कल या परसों पबजी मोबाइल अनबैन हो जाए इंडिया में। अब भी देखिए उन्होंने क्या ट्वीट किया। एवरीवन इज आस्किंग मी अबाउट द डेट ऑफ पबजी अनबैन बिकॉज ऑफ सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। आई डोंट हैव द राइट टू डिस्क्लोज दैट। As of now, Asgard is here, Neo is coming tomorrow, and Jonathan will be here day after. बाकी तुम समझदार हो। समझ रहे हो ना? मुझे तो ये लग रहा है कि ये PUBG मोबाइल के बारे में हिंट हो सकती है कि वो शायद कल या परसों में रिलॉन्च हो जाए। तो आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको भी लगता है कि कल PUBG मोबाइल वापस आएगी इंडिया में या नहीं। इससे रिलेटेड क्रॉन्टन ने भी कुछ आज अपनी लाइव स्ट्रीम में बोला। क्रॉन्टन की पूरी लाइव स्ट्रीमिंग देखी, उन्होंने कुछ खास तो बोला नहीं, उन्होंने एक छोटी सी चीज बताई कि आपकी दिवाली हैप्पी दिवाली हो जाएगी इस बार। तो आप भी देख सकते हैं उन्होंने क्या बोला। और लेट्स सी, अब बस क्योंकि कहीं पर भी कहीं मेंशन नहीं किया कि अलग वर्जन, कहीं पर भी मेंशन नहीं किया, मोस्टली वो यही मेंशन कर रहे कि प्राइवेसी और ये सारी चीज है। और दूसरी बात गाइस, डेट, अब मैं बताता हूँ मेरे हिसाब से गेम अनबैन दिवाली में ही हो गया। रीजन बताता हूँ, क्योंकि यार देखो हर 24 आवर्स में एक ना एक न्यूज़ आ रही है कि नहीं। कभी पहले अनबैन की न्यूज़ आई कि हाँ दिवाली को अनबैन हो रही है, आज तक वालों ने बहुत सारे न्यूज़ चैनल डाला। फिर आती है कि क्राफ्टन ने एक दिन में, कि फिर आता है क्राफ्टन ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ कर लिया। भाई ये ऑलरेडी सब हो चुका है, मतलब हो गया था, बट इसकी अनाउंस नहीं किया था। तो मेरे हिसाब से एक एक दिन में इतना कम टाइम में सारी चीज़ें आ रही, तो 15 दिवाली को ही आएगी। आज तक नहीं बोला था कि दिवाली को प्लान है उनका रिलॉन्च का। तो आई डोंट नो आप क्या थिंक करते हो, लेट्स सी, दिवाली तक वेट करते हैं। और एक आधी फिक्स डेट तो मुझे लगता है अनाउंस तो कर ही देंगे कि हम इतनी इतनी डेट को पबजी लॉन्च कर। एंड आपको शुरू से ही पता है कि क्रॉन्टन गेमिंग शुरू से ही पबजी मोबाइल के बारे में लेटेस्ट अपडेट दे ही रहे हैं कि पबजी मोबाइल कब वापस आएगी एंड वगैरह वगैरह। एंड उनकी सारी न्यूज भी सही हुई है पबजी मोबाइल को लेके। तो मे भी ये हिंट हो सकती है कि कल या परसों पबजी मोबाइल अनबैन हो जाए। तो आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपको कोई अपना वैल्यूएबल फीडबैक देना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।